उंडा से निकल चुके हम, यहाँ पे लोकेशन अच्छी थी तो यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए रुके, तो यहाँ पे फ़ोटो चलते हैं, मिलते हैं आपको आगे। तो हम बिस्किट से आपको यहाँ पे बता देगी, बड़े बड़े से स्टैचू दिखेगी आपको, रील्स में वो सब में आपको देखने को मिली होगी कि स्टैचू है इतना बड़ा, वो यहाँ पर है। आपको ले से खाडूंगला, खाडूंगला होकर आने पर आपको ये दिखेगा, और आपको पर पर्सन 30 रुपीज़ देना पड़ेगा। हम डिस्किट में आ चुके, हमारी गाड़ी यहाँ पे पार्क है। आपको ये बुद्धा की स्टैचू मिलेगा आपको, और पर पर्सन आपको 30 रुपीज़ पे करना है। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं, तो हमने बैटलपुरा कल रात को मैंने 1000 रुपीज़ का फुल टैंक करा लिया था, और आज मैंने 2 जेरी कैन फुल करा है, वो 920 के, मतलब टोटल 1900 रुपये का टैंक फुल करा है। देखते हैं आज कितने किलोमीटर तक चल जाएगी, क्योंकि हमको मनाली तक कोई पेट्रोल पंप मिलने वाला नहीं है, इसलिए मिलेगा तो ब्लैक में मिलेगा, तो ब्लैक में 1 लीटर का 160-170 रुपये ले गए, इसलिए यहाँ पे जितना हो सके उतना कैन हमने भर लिया है। जरूर पड़ेगा तो 1-2 लीटर जो जरूर पड़ेगा वो ब्लैक पे ले लेंगे, पैसे तो जरूर नहीं पड़ेगा, बट हाई पासिस आए तो वहाँ पे माइलेज कम देगी, तो वहाँ पे जरूर पड़ेगा। चलो मिलते हैं आगे। यहाँ पे फुल ऑफ रोडिंग है, रिवर क्रॉसिंग भी बहुत भयंकर के वाले मिलेगी। आगे शायद है ही क्रॉसिंग, पग मुकी दे सर। यहाँ प्रवीण भाई और केयूर भाई आगे निकल चुके हैं, और थरू पीछे के पीछे है भाई, बहुत ही ऊंचाई पर है जगह, और रास्ते इतने पतले हैं और टर्निंग पे भी ध्यान देना पड़ता है, और मेरी गाड़ी में बस यही प्रॉब्लम है कि आगे का टायर बहुत बड़ा है, तो जल्दी टर्न लेने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए आराम आराम से टर्न लेता हूँ मैं। भाई पहाड़ की इतनी हाइट इतनी ऊँची है,
12 किलोमीटर। आने वाले टाइम ये गलती ना करे, गाड़ी अंदर मत लेके आइए। ए भाई साहब की गाड़ी फंस गई थी, हम वहाँ पे खड़े थे तो हमें हाथ से इशारा किया कि बिल्कुल ना करे। कैसे गाड़ी फंस चुकी है, क्योर की गाड़ी फंस चुकी है पूरी तरह से। वो गाड़ी को बाहर निकालने के लिए बहुत मदद करनी पड़ी। स्टैंड भी जरूर नहीं जो तो करी अर्धु टायर अंदर जा तुरी हो ऊपर है। एक साइड थी करूँ के बच्चे थी करूँ माना बगाड़ी तू। बढ़िया यार, क्या ही मौसम व्यू है यहाँ का, बहुत ही बढ़िया। क्या ही नज़ारा, एक नंबर है। जैसे आपने लोगों ने मालदीव्स में देखा होगा ऐसे ही पानी है, स्काई ब्लू दिख रहा है यहाँ से। भाई जन्नत है यार यहाँ पे भी। ये तो झील ही बट दिखती इतनी भयंकर है ना भाई। यहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे, ऊपर रास्ता बन रहा है तोड़ के रखा है तो यहाँ से नीचे से जाना पड़ रहा है पैंगोंग लेक के पास से। क्या MH डिक डिक भाई, ऑफ रोडिंग में तो अपनी गाड़ी देखते हैं कैसे अभी खड्डे फटते हो निकल ही जाती है। पूरे मिट्टी में गाड़ी चलानी पड़ती है या वो थोड़े थोड़े पटने चालू हो चुके हैं भाई। गुड मॉर्निंग गाइस,
हम पेंगोंग लेक से सिसु 35 किलोमीटर हम आगे होम स्टे यहाँ पर रुके हुए थे। कुछ इस तरीके से लोकेशन है। कल तो स्नोफॉल भी हो रहा था बट उतना ज़्यादा नहीं। हम जब आ रहे थे तब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 ग्लैमर हीरो वेस्ट बंगाल से, फिर एक KTM MH वो भी गुजराती है, वो हमारे साथ ही है। 2, 4, 5, 6 बाइक हो चुकी है टोटल। व्यू देख लो एक बार भाई, जन्नत है। और ठंडी की बात ही मत करो यहाँ पे, बहुत भयंकर की।